अभी कुछ साथी चिंता कर रहे थे जाति जनगणना को लेकर के। अध्यक्ष महोदय, पूरा देश चाहता है जाति जनगणना हो, और अंतोगत्वा मैं कहता हूं, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं, मैंने पहले भी प्रेस में कहा, ये बीजेपी के लोग भी जाति जनगणना में खड़े हो जाएंगे, देखिएगा। ये समय आएगा कि बीजेपी के लोग भी कहेंगे हां जाति जनगणना होनी चाहिए। पूरा देश आता है। कभी कभी आरोप लगता है कि समाजवादियों ने क्यों नहीं किया। मैं केवल एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, कि जिस समय मेरिट की भर्ती हुई थी पुलिस की, और उसी समय एक फैसला आ गया था आरक्षण को लेकर के, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के झगड़े के बीच में हम लिस्ट को नहीं जारी कर पाए थे पुलिस भर्ती की, वो मेरिट की भर्ती थी, रिजल्ट बन चुका था, और जब कोर्ट के आदेश के बाद वो सूची जब जारी की गई, तो जो सूची जारी की थी उसमें पहले जो व्यवस्था थी आरक्षण की, उस व्यवस्था के तहत वो सूची बनी थी और उस सूची को जारी कर दिया गया था। लेकिन कुछ अधिकारी और सरकार, क्योंकि नई आ गई थी, तो उस सरकार ने कहा कि नहीं, ये पुरानी आरक्षण व्यवस्था नहीं लागू होगी, नई आरक्षण व्यवस्था लागू होगी। और जब नई आरक्षण व्यवस्था लागू के तहत वो सूची जारी की गई, तो 1700 नौजवान जो पिछड़े थे, दलित थे, उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया था, उनकी भर्ती जनरल में हो गई थी और उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया, ये कहकर के कि अब नई आरक्षण व्यवस्था लागू हो गई। जिन्होंने खुशियां मनाई थी, जिनके घर परिवार के लोगों ने बधाई दी थी, वो 1700 नौजवान नौकरी पाने के बाद, लिस्ट में आने के बाद बाहर निकाल दिए गए थे। जब से ये नई व्यवस्था लागू हुई है आरक्षण की, जो मूल भावना थी मंडल कमीशन से, उससे हम डाइवर्ट हुए हैं, तब से पूरे देश में ये आवाज उठी है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और जाति जनगणना के बाद आबादी के हिसाब से सबको हक और सम्मान मिलना चाहिए। क्या यही तो सबका साथ सबका विकास है? क्या हम गलत बात कह रहे हैं? क्या सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब जाति जनगणना हो और जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से उसको आरक्षण और हक और सम्मान मिल जाए। क्योंकि सरकार में रहना है इसलिए विरोध करना जरूरी है, सरकार में क्योंकि लॉलीपॉप मिल गई है, कुछ केक पेस्ट्री भी खा रहे होंगे, लड्डू भी खा रहे होंगे सरकार के, इसलिए सरकार के खड़े रहना है, और कुछ लोग तो फिल इन द ब्लैंक्स हैं सरकार के, रिक्त स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स हैं कुछ लोग। आप पूछ लीजिए जो भी नेता सदन है, हालांकि वो इंजीनियर है, मैं आपसे कहूंगा नेता दूसरे दल के हैं, अध्यक्ष महोदय उन 1700 बच्चों को निकाल के बुलाइए कि क्या उनके साथ गुजरा। और सबसे पहला बच्चा जो नौकरी से निकला था, उस जो उस आंदोलन को लीड कर रहा था, ये तो सदन से ही चले गए, ये हमारी वजह से नहीं गए होंगे, कुछ कटी पतंग है, कटी पतंग नेता सदन, कोई सीट नहीं मिली क्या? या सीट में कम लोग थे या ज्यादा लोग थे? सबसे पहले एक कुशवा नौजवान था, वो आंदोलन को लीड कर रहा था, उसकी नौकरी गई थी, वो 1700 बच्चे पिछड़े और दलित थे, इसलिए तब वो मांग उठी है, और उसके बाद से मांग जाति जनगणना की शुरू हुई। मुझे याद है लोकसभा में मैं मेंबर था, उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी के उस समय की लीडरशिप से न केवल नेताजी ने, बल्कि शरद यादव जी ने, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, और दक्षिण भारत के जितने नेता थे, जितने दल थे, उन सब नेताओं ने मांग की थी कि जाति जनगणना होनी चाहिए। उस समय कांग्रेस पार्टी ने आश्वासन दिया कि हम आंकड़ा जारी करेंगे, आंकड़े लेंगे, लेकिन कभी आंकड़े नहीं आए। 1931 के बाद, आजादी के बाद, अगर किसी ने जाति जनगणना रोकी थी तो वो कांग्रेस पार्टी थी, उसी रास्ते पे बीजेपी चल रही है, उसी रास्ते पर। इसलिए आज हम नई राजनीति के नए, उसी पुराने सिद्धांत को अपना करके चल रहे हैं,
और यहां जितने लोग बैठे हैं, आज कुछ भी कहें सामने, कुछ भी सामने कहें, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी बिरादरी के लोगों से कहते हैं हम तो जाजी अन्ना के पक्ष में हैं। आप पूछ लीजिए इनसे,